दादी ऐसे अच्छे से। मालती मालती, हमने पूरे मोहल्ले को दिवाली मनाने के लिए घर पे बुला लिया। ये आपने बहुत अच्छा किया। घर में वैसे ही बहुत टेंशन चल रही है, लेकिन फिर भी आज शाम को हम सब मिलकर नाचेंगे और खूब धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। क्यों कृष्णा? हाँ देखो जरा, जिसका पति भाग गया है वो नाचेगी और जिसका बेटा भाग गया वो दिवाली मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। चलो सोनू अम्मा खेलते, आ जाओ चलो चलो। यशोदा, तुम्ही ने अशोक से कहा था ना कि तुम आगे बढ़ोगी, तो बढ़ो। बहू, अशोक ने जो किया है उसके बाद लिहाज रखने के लिए कुछ बचा नहीं है। दिवाली तो वैसे ही मनाऊंगी बाबूजी, जैसे हर साल मनाती आई हूं। अपने पति के अनैतिक व्यवहार का असर घर पर नहीं पड़ने दूंगी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। देखो देखो, हम कह रहे हैं अब तो जयकारा भी हो गया। मम्मी अब मैं जाऊं? हाँ जाओ बउआ। नहीं सुनो, चलो तुम कमरे में। जयकारा तो उस दिन होगा जिस दिन हम यशोदा और कृष्णा को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, जिस दिन अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे ये दिवाली अब उस दिन मनाएंगे। सही कह रहे हो भैया, तुम मना लें दो इनको इस बार की दिवाली, इनका दिवाला तो हम बाद में निकालेंगे। जी हम तो दुकान जा रहे हैं, काम करना, रणधीर के ऑफिस चले जाना, वो FIR के बारे में बात करना है ना उनसे।
पूछोगे नहीं अरविंद कि आज तुम्हारे बाबूजी यूं दरवाजे पर कुर्सी लगाए क्यों बैठे? पूछने वाली कौन सी बात है अम्मा इसमें है? आजकल तो आप लोग सारे काम या तो यशोदा रानी के लिए करते हैं या फिर उस कृष्णा के लिए, तो बस बाबूजी ने भी ऐसे ही कुछ आज सोचा होगा, यही लिए कुर्सी लगा करके यहाँ बैठ गए। हाय बाबूजी। सही कहा तुमने अरविंद, ये कुछ कागज है जो हमने बंटवारे के लिए बनवाए हैं। क्या है ना, ये रोज सुबह शाम की चिक चिक हमसे बर्दाश्त नहीं होती। बेहतर यही है कि हम लोग अलग अलग रहे। बाबू जी, बंटवारा करना एक बार उसे पूछ तो लिया होता। हमें बंटवारा नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अपने पति का हिस्सा चाहिए। हिस्सा चाहिए तुम्हें? घर में फूट डलवा दी उसके बाद भी तुम्हें हिस्सा चाहिए? वाह यशोदा रानी वाह, ऐसे तो बड़ी लड़ने वाली बड़ी स्वाभिमानी औरत बनती हो। तो अब कहाँ चला गया तुम्हारा स्वाभिमान बोला? और तुम तो वैसे भी चाय की दुकान खोल के दुनिया बदलने वाली थी ना, तो क्या हुआ, बदलो ना दुनिया। वो तो कर ही लेंगी मैडम जी, लेकिन उनका हिस्सा तो उन्हें मिलना ही चाहिए ना। अच्छा, अब तुम भी बीच में कूद कूद के बोलोगे? हाँ बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलोगे भाई, मोहल्ले वालों ने स्वीकार जो कर लिया है। बोलो बेटा बोलो। बाप का हिस्सा मांगने के लिए बस बेटा होने की जरूरत होती है, ना कि मोहल्ले वालों के साथ की। और एक बात और, कि जब सबने मुझे स्वीकार कर लिया है, मैंने सबको स्वीकार कर लिया है, फिर अशोक गुप्ता चाहे जैसे हो, मैं भी उन्हें अपना बाप मानने लगा। और अब मुझे अपने बाप का हिस्सा चाहिए। साइन कर दो इन पे अरविंद, अब जो भी है सब आधा आधा बटेगा। कहा ना बाबूजी, साइन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। सब कुछ तो तुम्हें लेने भी नहीं देंगे अरविंद। कैसे क्या लेना है वो हम देख लेंगे अम्मा। और ठीक है, जब बात खुली गई तो सुन लो सब लोग, किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हमारा है, हमारा हमारा। और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब तुम सबको धक्के मार के इस घर से बाहर फेंका जाएगा। और हां मां, ये तब तक हिस्सेदारी विस्सेदारी सब छोड़िए, ये सोचिए कि जब इस घर से बाहर फेंके जाएंगे अब कहां रहेंगे। हटी, बाबूजी हटिए। अरे हटिए तो बाप, मुझे हटा कर दिखाइए। आपके सामने एक माँ का बेटा और एक दादा का पोता खड़ा है, हटा सकते हैं तो हटाइए।
क्या लगता है तुझे, इस घर में घुसने से तेरी औकात पड़ गई है? बच्चा है, बच्चा बन के रहे, नहीं तो तेरी गर्दन पकड़कर उठाएंगे और उठाकर साइड कर देंगे। हट। तो फिर कृष्णा के साथ साथ तुम्हें हमें भी साइड में करना होगा। और हमें भी साइड में करना होगा, और मुझे भी। कामिनी, कुछ तो करना होगा हम लोगों को। कृष्णा अकेला नहीं है, अगर तुम्हें हटाना ही है तो हम सबको हटाना होगा जो तुम्हारी औकात में नहीं है। भलाई इसी में है, इन कागजात पर साइन कर दो। कुछ करो, साइन कर दो बेटा, वरना हम मोहल्ले वालों को बुलाएंगे और वो तुमसे जबरदस्ती साइन करवाएंगे। और अब तो मोहल्ले वालों ने कृष्णा को भी स्वीकार कर लिया है, तो अब तुम्हारा तमाशा चल नहीं पाएगा, इसलिए समझा रहे हैं साइन कर दो। भैया, तुमने जैसा पानी मांगा था ना, बिल्कुल वैसे ही लेके आए। जानते हैं बाबूजी, जहर है ये। अगर अभी आपने हमें जबरदस्ती साइन करने के लिए मजबूर किया तो इसे पीकर अपनी जान दे देंगे, यही फर्श में मरे लेटे मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं हट जाइए हमारे रास्ते से, जाने दीजिए, नहीं तो। और हाँ, अब जब तुम सबने हमसे खुलेआम दुश्मनी का ऐलान कर ही दिया है तो ठीक है, दुश्मनी भी अब हम पूरे दिल से निभाएंगे। अरविंद जो है ना, बहुत ही बेवकूफ टाइप का लड़का है। क्या जरूरत है सबके सामने इशू बनाने की, है? उगल दिया कि हम लोग सब कुछ हथियाना चाहते। अब एक बात बताओ, ये सब बातें सुन के अम्मा बाबूजी क्या अपना दिमाग नहीं चला रहे होंगे? क्यों नहीं चला रहे होंगे, बिल्कुल चला रहे होंगे, बल्कि अब तो वो और मजबूत प्लान बना रहे होंगे, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है ना, वो सब उन्हें यशोदा और कृष्णा को ही देना है। कामिनी, अरे हाँ। चुप क्यों हो? अरे दामाद जी बोल रहे हैं तो तुम भी तो कुछ बोलो, जवाब दो। बताओ दामाद जी को कि तुम्हारी अम्मा ने अशोक और अरविंद से ज्यादा हमेशा तुम्हें प्यार किया। बताओ दामाद जी को कि इस घर में तुम्हारी खुशियों का औरों से ज्यादा ध्यान रखा। ये सोचकर कि एक दिन ब्याह के तुम इस घर से दूर चली जाओगे, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाए कि एक दिन तुम इस घर को ही तोड़ डालोगी, इस परिवार के टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दोगी, अपने मन में यूं जहर भर के रिश्तों को मारने निकल पड़ोगी। देखो अम्मा, तुम हमारा मुंह ना खुलवाओ, तुम पर और बाबूजी पर ना बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें जब जब कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा है तो हमें अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा ना। अम्मा,
दरअसल आप लोग ना अरविंद के बारे में गलत समझते हैं। अरविंद दिल का बुरा नहीं है, बस वो कई बार तैश में आके ना कुछ भी बोल जाता है। लेकिन वो आपको बहुत प्यार करता है, बल्कि कामिनी, हम सब आपको, बाबूजी को बहुत प्यार करते हैं। प्यार की भीख मांगने नहीं आए दामाद जी यहाँ, बल्कि तुम दोनों से ये कहने आए हैं कि कल तक ये घर खाली कर देना। अम्मा, अरे अम्मा रुको रुको, तुम तो जानती हो कि हमारी आदत नहीं सु बनाने की, यही लिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी धमकियां है ना, इसका अब हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, अब ये धमकियां देने से पहले तुम ये सोच लिया करो कि इस घर के जो समीकरण है ना, अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, बदल गए। और अम्मा एक बात, वो जो हुकुम चलाना, आर्डर देने वाला जो पावर था ना, वो तुम्हारे हाथ से चला गया है। हाँ, तो कहो ना अपने लाडले भाई को कि इस घर का बंटवारा करके तुम्हें अपने हिस्से में रखे, क्योंकि ये बार बार जहर भरे गिलास दिखाकर ना तुम दोनों अपने माँ बाप को रोक नहीं पाओगे। और हाँ कामिनी, किसी और से डरो ना डरो, लेकिन भगवान से जरूर डरना, क्योंकि पता नहीं चलता कि भगवान कब, कहां, किस रूप में सारे पापों का हिसाब कर देते हैं। ठीक है अम्मा, तुम्हारी ये बात ना हम अपने दिमाग में रख लेते हैं, पर हमारी भी एक बात सुन लो, जैसे तुमको और बाबूजी को देख रहे हैं ना, वैसे ही तुम्हारे उस भगवान को भी देख लेंगे। कामिनी, हम जरा आते हैं। हे भगवान, रक्षा करना प्रभु। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन लौटा मैं हिसाब करने ही हूं। अरे रणधीर भैया, ऐसी बात नहीं है, हम तो तुम्हारे ऑफिस में आने ही वाले थे, लेकिन एंड वक्त पे घर पे नौटंकी चालू हो गई। अरे तुम्हें क्या पता घर में कितने बवाल हैं। अरे यशोदा को तो तुम अब समझ ही गए होगे, हैं? भैया घर पे ही वकालत करने लग गई है, काहे नहीं वो। कौन हो तुम? हम पूछ रहे कौन हो तुम, हैं? अरे दरवाजा क्या बंद कर दिया तुमने? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे? कौन हो तुम? अपने सारे गहने मुझे दे दो, वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो तुमको हम अपने गहने दे दें, हैं? काय दे दें? बोलो। अभी तुम्हारी माँ ने भगवान से प्रार्थना की कि तुम घर से निकल जाओ। मैं भगवान तो नहीं, लेकिन तुम्हें घर से निकलवा जरूर सकता हूँ।
देखो हम तुमसे कह रहे हैं, जो तुमने अपने चेहरे पे ये मास्क लगा रखा है ना, इसको निकाल दो, नहीं तुम सारे घर वालों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर लेंगे, समझे? अच्छा तो बुला लो, लेकिन बुलाने से पहले एक बार मेरी शक्ल देख लो।